इस वीडियो में मैं आपको सात ऐसे बेस्ट अरेबिक म्यूजिक बताने वाला हूं जो बैकग्राउंड म्यूजिक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए और आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा। इसको मैंने डाउनलोड किया है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो सातों के सातों है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने जो अपने गूगल ड्राइव में इसको सेव किया हुआ है उसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप अगर चाहो तो उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट मेरी जो गूगल लिंक मैंने दी है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे अगर आपको नहीं करना है तो यूट्यूब लाइब्रेरी पे एक एक नाम सर्च करके आप यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये जो सातों म्यूजिक है, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी है इसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, एट्रिब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए, आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा। तो चलिए वन बाय वन इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो आई होप ये जितने भी म्यूजिक है, जो भी सातों म्यूजिक मैंने आपको सुनाए उनमें से आपको सभी पसंद आए होंगे। और इनको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली यूट्यूब लाइब्रेरी से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन म्यूजिक का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, एट्रिब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये सातों बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कैसे लगे आप मुझे बताइए। और इस तरह के अरेबिक म्यूजिक आप ज़्यादा पसंद करते हैं और भी इस तरह के म्यूजिक की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आने वाले टाइम पर इस वीडियो का पार्ट टू वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, जिसमें मैं आपको यूट्यूब के अलावा और एक साइट बताने वाला हूं जिसमें आपको इस तरह के बहुत सारे अरेबिक म्यूजिक मिल जाएंगे। लेकिन वो जो वेबसाइट है उसको आपको क्रेडिट देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब वो वीडियो देखना मेरा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो आप याद से क्रेडिट दे देना अगर उन म्यूजिक का अगर आप इस्तेमाल करोगे फ्यूचर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट्स करके आप मुझे बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।